हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नमो ऐप के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से कहा कि पहले की सरकार ने योजनाओं लटकाने का काम किया, लेकिन भाजपा की सरकार ने देश और राज्यों की उन तमाम योजनाओं को खोजा और उन्हें फिर से शुरू करने का बीड़ा उठाया। क्योंकि भाजपा जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों ने कभी संवेदनशीलता के साथ जनता के दुख दर्दों के बारे में सोचा ही नहीं। पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए पाली लोकसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद का कार्यक्रम सुमेरपुर में गणेशम प्लाजा, मैन बाजार और भैरो चौक, वहीं तखतगढ़ में नाग चौक पर सुमेरपुर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से सीधा संवाद किया। पाली लोकसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनसे विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और गलत भ्रांतियों को दूर करने और विधानसभा चुनाव जीतने का मूल मंत्र पूछा। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ पार्टियां ऐसा करती हैं जिनका काम ही झूठ बोलना होता है। ऐसी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय मनोरंजन के रूप में लें, ताकि चुनाव के दौरान आपका तनाव और थकान दूर हो सके। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए सहयोग करने का आह्वान किया। मोदी ने सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता सातों दिन 24 घंटे जनता की सेवा के लिए काम करे। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।